प्रहलाद के मुख से लगते ही विष भी अमृत बन गया। कोई तो ऐसी शक्ति है जो प्रहलाद को मारने नहीं दे रही है। क्या इन तीनों लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो प्रहलाद को मार सके? एक शक्ति है होली का। होली का मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो मेरी बहन, तुम ही मदद कर सकती हो। कैसी मदद भैया? होली का मेरी बहन, वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला है जिसे ना तो अधिक गर्मी नष्ट कर सकती है और ना ही अग्नि उसे जला सकती है, है ना? अब उस वस्त्र को इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है मेरी बहन। इस वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है भैया? रक्षा नहीं, वध करना है। वध मेरे सबसे बड़े शत्रु विष्णु के भक्त प्रहलाद का। भैया, सारे असुर जानते हैं कि आप अपने पुत्र का वध करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश आप सफल नहीं हो पा रहे। इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है। भैया, आप एक बार फिर विचार कर लीजिए। आखिर प्रहलाद आपका पुत्र है। होली का, होलिका मत कहो उसे मेरा पुत्र, मत कहो। पुत्र के नाम पर वो मेरे माथे का कलंक है, कलंक। और हाँ होलिका, मैंने तुम्हें यहां सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है। इस क्षण मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रहलाद का वध, बस। ठीक है भैया, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। हिरण्यकश्यपु ने सोच रखा था, इस बार भगवान विष्णु की कोई भी चालाकी प्रहलाद को मरने से नहीं बचा सकती थी। इसके लिए उसने अपने महल के चार दीवारी के अंदर एक बहुत बड़ी चिता तैयार करवाई। कोई भी अद्वितीय शक्ति इस चार दीवारी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। हिरण्यकश्यपु को पूरा यकीन था कि भगवान विष्णु भी उसके भय से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। होलिका प्रहलाद के साथ वहां आ पहुंची। होलिका का शरीर उस अद्भुत वस्त्र से ढका हुआ था जिसे अग्नि जला नहीं सकती थी। प्रहलाद का चेहरा पहले की तरह शांत था, वो तो हमेशा की तरह भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न था। होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद को उसने अपनी गोद में बिठा लिया और फिर हिरण्यकश्यपु ने अपने पास खड़े असुर सैनिक को इशारा किया। अग्नि! और इस बार भी
भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हर साल हम इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। सोच दियो मैं आया है सरदार प्रहलाद।